तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, क्या ये मूवी इतनी अच्छी है कि तुम लोग वो अपने पैसे खर्च करके इस मूवी को देखने जाना चाहिए थिएटर्स के अंदर? क्योंकि देखो इसके कुछ अर्ली रिव्यूज निकल के आ चुके हैं। हाँ, अर्ली रिव्यूज आने के कुछ लोगों को जो है मूवीज पहले दिखा दी गई है, और इस मूवी को देखने के बाद जो है उनका कुछ अर्ली रिव्यू या फिर अर्ली रिएक्शन निकल के आया, तो फिर उसी पर थोड़ी सी बात करेंगे विदाउट एनी स्पॉयलर्स। क्योंकि देखो स्पॉइलर तो नहीं देंगे आप, देखो फिर देखो सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं ना। देखो पहले रिव्यू में हमें देखने को मिला कि उस रिव्यू में ये लिखा होता है ट्विटर पर कि देखो ये जो मूवी है ना ये बिल्कुल एटॉमिक ब्लास्ट जैसी मूवी है। मूवी के अंदर 80s का जो एल्बम कवर है यानी कि 80s की जो म्यूजिक डाले गए हैं इस मूवी के अंदर, वो बहुत ही शानदार लगते हैं, बहुत ही सूदिंग लगते हैं सुनने में और देखने में, और आप लोग रिलेट कर पाते हो कि आखिर इस मूवी के साथ जो है 80s के सॉन्ग्स को क्यों मिक्स किया गया। और एक रिव्यू में तो मुझे ये भी देखने को मिला कि वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ये अभी तक की मॉन्स्टरवर्स की जो है सबसे एंजॉयबल मूवी है, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। क्योंकि देखो ऐसा बताया जा रहा है, मुझे काफी सारे रिव्यूज में देखने को मिला है कि इसकी स्टोरी पर जो है ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन इसकी जो फाइट सीन्स हुए हैं वो इतने तगड़े हैं ना कि वो जो फाइट सीन्स है ना वो इसकी स्टोरी को छुपा लेते हैं, इसीलिए जो है इस मूवी की स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस स्टोरी को जो है ना कवर अप कर लेता है इसके फाइटिंग सीक्वेंसेस जो कि बहुत कमाल के, ऐसा जैसा कि हमें पता चला है रिव्यूज के तौर पर। मूवी के अंदर आपको इमोशन देखने को ज्यादा नहीं मिलते क्योंकि देखो मॉन्स्टरवर्स की मूवी, और इसमें जो है आपको चार बहुत ही बड़े बड़े टाइटन देखने को मिलने वाले हैं। इसमें से आपको मेरे ख्याल से सबका नाम तो पता ही होगा, हमारा गॉडजिला, फिर कॉन्ग, उसके बाद स्कार किंग और हमारा शीमो भी। हाँ ये कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कि शीमो भी जो है आपको देखने को मिलने वाला है इस मूवी के अंदर, और शीमो आपके पोस्टर में भी देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके ऑल ओवर रिव्यूज की, तो फिर देखो ऑल ओवर रिव्यूज निकल के आ रहे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। हाँ इसकी स्टोरी को लेकर जो है ना थोड़े बहुत ऐसे अटकलें आ रही है, लेकिन स्टोरी को छोड़ दे तो फिर मूवी में काफी दम है, और अगर तुम्हें बिल्कुल मारधार पसंद है तो फिर तुम्हें ये मूवी जाकर देखनी जरूर चाहिए जो भी रिलीज हो रही है कल के दिन थिएटर्स के अंदर। तो फिर मुझे बताना जरूर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, क्या वो गॉडजिला या फिर वो हमारा कॉन्ग है या फिर स्कार किंग है या फिर शीमो है, बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में।